I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. तो भाई सबने राम राम, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो भाई व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई सुबह के 4 बजे, और भाई रेडी वगैरह हो गया, अब चलते हैं भाई अपना जिम। और क्या है ना, आजकल व्लॉग थोड़े कुछ ज़्यादा ही छोटे छोटे से हो रहे हैं, क्योंकि यार मैं फिर कितने दो तीन बजे से व्लॉग बनाना शुरू कर रहा, इस चक्कर से भाई अब अलार्म भी बज गया। हाँ, तो इस वजह से अब मैं कोशिश करूँगा सुबह सुबह से शुरू करूँ, ताकि थोड़ा सा व्लॉग की लेंथ बढ़ जाए आराम से, कम से कम 8-10 मिनट का तो हो। तो भाई चलो फटाफट जिम चलते हैं, जिम ओपन करते हैं, मुझे लग रहा है मामा और पहुँच ना गए हो। तो भाई घर से निकल चुके हैं, जय बड़े बाबा के, जय खेड़े महाराज। यार कसम से ना, ठंडा बहुत बढ़िया है यार मॉर्निंग में, मतलब एकदम से ही ना, एकदम से बहुत ज़्यादा। सिर्फ दिन में थोड़ी गर्मी है, जो शाम को तो भाई, और रात को और मॉर्निंग में तो भाई बहुत ठंडा यार, बहुत ज़्यादा ठंडा। अब मुझे लग रहा है सिर्फ 20-22 दिन की थोड़ी बहुत गर्मी रह गई, फिर एकदम से कहते हैं ना खतरनाक वाला ठंडा पड़ने वाला है इस बार। इस बार यार कसम से मुझे लग रहा है भाई, कसम से ठंड बहुत ही ज़बरदस्त पड़ने वाली है, मुझे ऐसा फील हो रहा भाई, पर फिर भी देखते हैं, लेट्स सी। तो भाई एक्सरसाइज वगैरह सब निपट चुकी है, बहुत सारी एक्सरसाइज थी, चक्कर से भाई दिखाना पाए। ये लौंडा आजकल सुस्त सा हो रहा है भाई, क्या चक्कर होगी, हफ्ते डेढ़ हफ्ते से देख रहा, लौंडिया का चक्कर है क्या? और ये भाई चोरी से फोटो खींच लिया, पता नहीं चलता कब खींचा भाई फोटो। और इनकी तो रेल बना रही है लौंडिया की। ये भाई नागल ज्वालापुर का कपिल, तो भाई अब जा रहे घर को, गाने सुनने मजा पूरा हुआ। लो जी नजारा एंजॉय करो तुम भी। लो पहुंच गया अपने गांव, बस का यारान। पहुंच गया भाई घर को, बाहर का पेंट रह गया भाई। देखो भाई आरती सर, ये स्वागत करें मेरा। हाँ भाई चल पैर छू मेरे। हाँ वेरी गुड, ले आशीर्वाद ले, आशीर्वाद ले मेरा। हाँ वेरी गुड, सब जीत रहा है। अबे बे बे, ओ भाई अंदर आ फटाफट, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा, धूप बहुत प्यारी निकल रही, पर यही धूप ना भाई दिन में परेशान करेगी। क्या क्या भाई लॉन भी ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया, मतलब वो दवाई गिरने के बाद ना बहुत ज़्यादा फ़र्क आया यार कसम से, बहुत ज़्यादा। देखो ना पहले कहता कितना ग्रीनरी हो गई है यार, बहुत ही अच्छे से निकल रहा, पहले पैच तो कुछ ज़्यादा ही दिख रहे थे, जैसी दवाई गिरी है ना यार बहुत ही बढ़िया हो गया यार एकदम। अब इसमें एक कटिंग करवानी है, दैट फिर मेरे हिसाब से लेवल हो जाएगा, बस थोड़ा वहाँ का पैच है वो भी भर जाएगा तो और भी बढ़िया हो जाएगा यार। आगे भाई घर में, आज से यार थोड़ा फर्नीचर का काम लगभग फिर से शुरू हो जाएगा, आज अब से मतलब आज से ये हमारे मेन डोर की तैयारी शुरू है, और अपने जो भी है बेड वगैरह पॉलिश बेड की भी सेटिंग बनाएंगे, बढ़िया सी शानदार बनवाने वाले हैं इस बार, देखते हैं। तो भाई हमारे सॉम अंकल आ गए, अब होगा हमारा मेन डोर की कार्रवाई चालू। अंकल एकदम जबरदस्त कर देना। अंकल कह बस टेंशन ना ले, मैं लेता ही नहीं, फिर सारे काम एकदम बढ़िया मक्खन की तरह हो जाना।
और भाई किसी को भी अपने जो भी डोई वाला लोकल दूधली एरिया जो भी देख रहा ना, ये देखो ये लकड़ी वाली रेलिंग है, अब मैं इसका पाया दिखा देता हूँ आपको। ये देखो अब इस पे पॉलिश होगी, ऐसी शाइन करेगी। अपने दोई वाला दूधली जो जो भी ब्लॉग को देख रहा है, अगर लोकल है ना और ऐसी भाई रेलिंग बनवाना चाहते हो तो भाई पता है आपको कहाँ कांटेक्ट करना है। भाई अभी नाश्ता हो रहा है, मतलब लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक है। अपनी पीने वाली दाल मेरी फेवरेट भाई नाश्ते के लिए तो सबसे फेवरेट, और चने की सब्जी और रोटी और ठंडा ठंडा पानी। बहुत मज़ा आ रहा है, नाश्ता इंजॉय करें, फिर करें ब्लॉग कंटिन्यू। पैसे नहीं तेरे दांत गिन रहे हैं। दांत दिखा मुझे, दांत दिखा अपने। हमने एक बार बंद कर दिया ना जबड़ा, मुंह खोल दे तो तेरे देखने पड़ जाते। देख रहे भाई स्कूटी पे बैठने के मारे कैसा आ रहा है। ओए वापस आ, आ जा। देख रहा अभी तक देख रहा बस आगा। टेंशन टेंशन में आ गया। ये तो आवाज आवे तुझे यार आदी, बहुत तेज चल रही वो। अबे तू क्या यार आदी, मंदिर की बात कर रहे तू, वाली लाइट देख रहा क्या यार आदी? कोई दिक्कत नहीं, होता रहा वैसा। ये वाले तो उतार दे पहले, ये कल्लू भी उतार दा भाई। अरे मैं तो इसकी बात कर रहा था लाइट की, मैंने में दिमाग से नहीं आई। टाइसन तो भाई घर को भाग गया, उसे गर्मी माननी उनने भाई, कहा भाई पंखे और कूलर में पड़ूंगा। भाई देखो अभी जा रहा गेम खेलने। है क्या मैं सोचा लो भाई, अरे परेशान ना करे, पूरा मजा आ रहा है। ये कहाँ से, यहीं से ली थी यार? ये तो यहीं से ली थी यार, ये खुलता है ना यहाँ से। ये अगर जैसे घंटी वगैरह निकालनी हो ना तब है जैसे। हाँ जरूर, तो ये तो बंद होगी अंदर जो घंटी सुन के कैसा आया एकदम बाहर। चल अंदर देखो भाई, मेरी बुआ गया है, सेल चल रही और दवा के खरीद रहे कपड़े, जाडो के भी लग रहा है अभी खरीद रहे। हाँ भाई यारो साइकिल सीख रही है। चलो पहले पहले मुझे आरू ये दिखाइए बेटा, मुझे ठीक से पहले दिखाओ क्या क्या है ये। ठीक है क्या है बेटा ये? एलिफेंट। एलिफेंट क्या लिखा है वो ये? एलिफेंट। ओके देन नेक्स्ट स्टोरी है, स्टोरी बुक है तो यार बचपन में हमें बहुत पसंद थी यार ये। बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं भी जाता थे आप ही, मैं भी जाता था। हाँ फिर एलिफेंट देन और स्टोरी बुक का नाम क्या बेटा पढ़ लूँ मैं? हटिए बेटा मैम्बो द एलिफेंट। ओके स्टोरी बता दो। अरे 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 बेटा स्टोरी तो बता दो, क्या हुआ था स्टोरी में बता आपको? ये स्टोरी शायद मैंने बचपन में सुनी थी यार। हाँ एक सेकंड रुको दोस्तों, मैं एक बार मैं देख लेता हूँ मुझे, क्योंकि मैंने बचपन में स्टोरी पढ़ी थी, मुझे फिर से रिकॉल करना है तो एक सेकंड बस। दोस्तों अब मुझे फिर से एकदम रिकॉल हो गई ये स्टोरी, मैं आपको सुनाता हूँ। तो भाई मैंने बचपन में पढ़ी थी ये, तो बेटा एक हाथी था ठीक है, उसका नाम था मैम्बू,
ठीक है, बहुत अच्छा आती था वो डेली, जब नहाने से पहले ना जब जाता था वो टेलर को एक केला हमेशा दे के जाता था, समझ गए। फिर एक दिन क्या हुआ, उस टेलर ने ना उसकी सूंड में चुबा दी सुई बहुत जोर से, और वो बेचारा देख कैसे रोने लग गया, है ना, है ना, समझ गए, सुई चुबा दी। फिर मेम्बू को आया बहुत गुस्सा कि मेरे सुई चुबा दी उसने, उसे आया बहुत गुस्सा। उसने पता क्या किया, पता क्या किया, उसने अपनी सूंड में भरा बहुत सारा पानी भरा अपनी सूंड में। रुको, अब नेक्स्ट करो। और उसने जाकर टेलर के ऊपर फेंक दिया और फिर टेलर बहुत ज्यादा उदास हुआ, उसके सारे कपड़े भीग गए और मेम्बू खुश हो गया। और ये थी हैप्पी एंडिंग। इसका मतलब बेटा जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। क्या चीज बोलो आप भी, एलिफेंट। हाँ एलिफेंट, बोलो जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ सवा, जैसी करनी बोल, बोलो जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ चलो यार, आप जाते हैं राहुल भैया के साथ थोड़ा चक्की आटा वगैरह गेर के, देन फिर आप खेल लेंगे जाके पबजी। काफी टाइम से मतलब पबजी करो, BGMI एंजॉय करेंगे। अब आगे चक्की, और यो देखो तो यहाँ से जावे, यहाँ फिर इधर गिरा, और फिर इसमें से फिर जावे, और फिर कट्टे में आवे, और यहाँ पे भाई वेट किया जा रहा है, मतलब वेट कर रहा हूँ, वजन दिया जा रहा है भाई। देखो जरा, अब भी एकदम पुराना तरीका फॉलो हो रहा है जैसा पहले हुआ करते थे। कितना, ये 500। कैसा लग रहा है भैया चक्की में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कितने साल रखे भाई, सब में बधेरा टाइम लगेगा। अब प्रोसेस मैंने ने दिखा दिया, मैं कहा यहाँ से जावे, फिर इसमें आवे। देखो भाई अतुल के इंतजार में कैसे बैठा है, क्योंकि यार मैं इसके साथ ना ज़्यादा खेलता नहीं ना, इसलिए अतुल के साथ। हाँ भाई अतुल की याद आ रही, तू भी अतुल के जैसा ही है, दोनों की शक्ल मैच करे। तो यार अब है सोने का टाइम, अपनी मल्टीविटामिन ले लेते हैं भाई। मेरे ब्लॉग्स देख रही भाई, तभी ब्लॉग मुझे संभल के बनाने पड़े। ये देखो अतुल का इंतजार कर रहा हूँ। ये देखो इसे थोड़ी सी आहट हुई ना, देख रहे कैसे देखा इन्हें। तो भाई मल्टीविटामिन ले लिया अपनी, और जैसी अभी जैसी अतुल आया ना, वाइट टाइसन ऐसे गया ना ढक से, मुझे तो डर लगेगा ये फिसल ना जाए किसी टाइल पे, ढक से पड़ेगी से खतरनाक। ये देखो भाई यो आया ना, यो देख रहे कैसे हो गया था अपना, ये देख रहा थे थी जेब में मुंह घेर घेर के। अब देखा भाई तुझे खाना, तू भी मत दिए से। भाई हो गया अपना सोने का टाइम, तो भाई एंड करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे। धन्यवाद ब्लॉग को लास्ट तक देखने के लिए। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और भाई चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करा करो दबा के भाई, ठीक है, अच्छा लगे बुरा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो भाई जय भोले बाबा की।